अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। इसी साल अगस्त महीने में अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात का दावा किया था कि हमजा बिन लादेन मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमजा बिन लादेन एक अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियान में मारा गया था। वहीं व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि हमजा बिन लादेन आतंकवादी संगठन में तेजी से प्रमुख व्यक्ति बन गया था। हमजा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियान में मारा गया। हालांकि व्हाइट हाउस के बयान में ये जानकारी नहीं दी गई कि हमजा बिन लादेन कब मारा गया, अमेरिका ने उसकी मौत की पुष्टि कैसे की। इस साल अगस्त महीने में आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन के मारे जाने की खबरें आई थी। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन इस पर कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी। ट्रंप ने इस पर कहा था कि हमजा बिन लादेन अमेरिका के लिए बड़ा खतरा था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमजा बिन लादेन के मारे जाने पर वह कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वह अमेरिका के लिए बड़ा खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमजा लगातार हमारे देश के बारे में गलत बातें कर रहा था।